यार कोको बेचारा फोत हो गया। ओहो, यार ये क्या हो गया इसको यार? कोको यार ये बेचारा ना, इसको मैं जब पिजन्स के साथ छोड़ के आया था ना, उसके बाद मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसको ना मैं दोबारा नीचे ले आया हूँ, और रात को ना इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और एकदम मैं ना उठ के पानी शानी पिलाया इसको, सीरियलैक बना के दिया, सब कुछ दिया है इसको, अपने पास बिठाए रखा है, बिस्तर में अपनी बिठाई रखा है। और मैं सारी 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 रात में इसके साथ सोया। अभी काम वाली जो है सफाई कर रही थी, तो मैंने इसको ड्राइंग रूम में ला के ना इस जगह पे बिठा दिया है। मैंने कहा इसको मैं दोबारा सीरियलैक बना के देता हूँ, तो अभी मैं बाहर से आया हूँ, सीरियलैक लेके आया हूँ, और बेचारा भी फौत हुआ हुआ है यार। इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था मेरा, मासूम जानवर था बहुत मेरे लिए। मेरे मेरे पास कोई कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए, बोलने के लिए। इसको मैं दफनाता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोको जो है फोत हो गया है, अभी उसको मैं जा रहा हूँ दफनाने, उसको मैं पहले दफना के आता हूँ। दिखा यही ले आ, ठीक है यही ले आ। ये दोस्तों हम क्यारी में इसको दफनाने लगे हैं। जी तो दोस्तों मैं अपने कोको को जो है दफना के आ गया हूँ, और अपनी क्यारी में दफन किया। जो मेरा मैक्स था बिल्ला मेरा, उसको भी मैंने जो बहुत हुआ था, उसको भी मैंने उसी क्यारी में दफन किया था। तो वो उसकी भी याद रहेगी और मैक्स की भी सही याद से एक साथ रहेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ना मैं अपने इसको टीपू को, ये तो सोया हुआ है टीपू, आपने अपने फ्रेंड से नहीं मिलने जाना? यार ये तो बड़े मज़े से सोया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ ऊपर ना बाकी सब बर्ड्स को ना खाना शाना डाल आता हूँ। ये देखते हैं आज माशाल्लाह बच्चे सारे बैठ कर पढ़ रहे हैं हमारे, नीचे भी बैठा हुआ ना एक, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह पढ़ते रहा करो ये। लेकिन लेकिन ये लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ती, पता नहीं क्यों। पढ़ा करो यार अच्छे तरीके से। वो जाओ ज़रा मिनी स्क्वाड को तो खोल लो ना, वो दाना शाना खा लें अपना, जल्दी से खोल दो खोल दो खोल दो। आ जाओ सारे बाहर, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बाहर। और ये देखो अलीजा, उनका भी पानी ख़त्म हुआ हुआ है, उनका भी पानी डालना है। आप ही कैमरा पकड़ो ज़रा। और ये अंडे की तलाश में ये मैं दोबारा यार इनका पानी रख देता हूँ। गर्मी है ना तो पानी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इनको प्यास लगती है। और इनको मिनी स्क्वाड को भी बाहर निकालता हूँ, ये पता नहीं क्यों नहीं बाहर आ रहे आज इनका। ओए पिद्दू, ये देखो दो। अब ये भी पिद्दू नहीं रहा, अभी किस्म का फाइटर मुर्गा बनना है। तो इसको अब हम नीचे उतार देते हैं। चलो एक्सीलेंट, पिजन्स तो अभी अंदर गए हैं, तो इन्होंने दाना शाना खाया है ना। मैं सुबह से देख रहा था, मैं कहता मेरे रैबिट नहीं बाहर आ रहे, पता नहीं क्या इनको कैट तो नहीं उठा के लेके गई। लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है ये बाहर आ गए हैं, और मज़े से अपना खाना शाना खाना शुरू हो गए। ये देखना मैं पास जाऊँगा ना, दोनों उठ जाएंगे फ़ौरन भागेंगे। वो देखे दोस्तों, अब ना रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, तो अब मैं ऐसा करता हूँ अपने सब पेट्स को कर देता हूँ बंद। सबसे पहले बारी है इनकी, ये मिनी स्क्वाड की, देखें कितने खुश हैं, दौड़ें लग रही हैं इनकी। अभी इनको जब करूँगा ना बंद, फिर ये ठीक हो जाएंगे। जी तो दोस्तों मैं अपने सब पेट्स को कर चुका हूँ बंद, और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो इसी खूबसूरत मौसम के साथ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।